नमस्कार। खबर के तहत तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंबिका भारती और अब समाचार उज्जैन से। उज्जैन के एक अटाला व्यापारी से महिंदपुर शासकीय स्कूल की 2022-2023 की किताबें अटाले में बेचने का मामला सामने आया है। महिंदपुर के शासकीय स्कूल के बीआरसी रमेश चंद्र देवाणन ने बच्चों की चालू सत्र की किताबें कवाड़े में बेच दी। जैसे ही इसकी जानकारी मार्केट में लगी तो उज्जैन के भाजपा पार्षद दल के कुछ पार्षदगण पहुंच गए और अटाला व्यापारी से पूछताछ करने के साथ रद्दी के जाखीरे को खंगाला शुरू किया। तो नवीन शिक्षा सत्र 2022-23 की किताबों का जखीरा पकड़ में आया। मौके पर ही शिक्षा विभाग की टीम को बुलवाया गया जिसके द्वारा पंचनामा बनाया गया। अटाले की दुकान पर ताला लगवाया गया। मौके से रद्दी के रूप में बेची गई किताबों को जब्त किया गया। यह मामला जिवाजीगंज थाना अंतर्गत कुआ क्षेत्र के उस समय उजागर हुआ जब अटाला व्यापारी शाकिर खान के द्वारा रद्दी के रूप में खरीदी गई नई नवीन शिक्षा सत्र 2022-23 की किताबों को सुखाने के लिए सड़क पर पड़ी हुई थी। किसी ने पार्षद रजत मेहता और गब्बर भाटी आदि को सूचना दी और उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा को मौके पर बुलवाया गया। शिक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और यहां सड़क पर फैली हुई रद्दी और गोदाम में भरे रद्दी के बोरों को देखकर अधिकारी भी अचंभित रहे। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा पूछताछ करने पर व्यापारी शाकिर खान ने बताया कि वह यह रद्दी 4 दिन पहले महेंदपुर के स्कूल से खरीद कर लाया है और इसे रमेश चंद्र देवाड़ा नाम के प्रभारी ने बेचा है। शाकिर खान के अनुसार वह यह रद्दी 6,000 में खरीद कर लाया है, जबकि मौके पर जितना माल देखा गया उसे करीब अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह माल 1 लाख का है। यह की कार्रवाई विभाग की टीम यहां पर पहुंचकर पंचनामा बनाया, गोदाम को सील कर व्यापार चलो ठीक है, ये तो अभी दो पुराना। अभी तो जांच चल रही है, तथ्य सामने आएंगे तो पता चलेगा। ये सही है कि जो पुस्तकें थीं वो हमारे बच्चों को जो वितरित की जाती हैं प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में, उन पुस्तकों को पाया है। क्योंकि कल भी हमने जहाँ से जिस दुकान पर ये इस रद्दी वाले को बेची गई होंगी उसके पास जाकर के देखा है और वो हमने पुस्तकें जब्त कर ली हैं। हमारी एक टीम उसमें उसको छांटने में लगी हुई है कि कौन सी किताबें कब की हैं, किस कक्षा की हैं। ये कार्य अभी जारी है, जांच अभी चल रही है, इसलिए स्पष्ट अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कितनी क्या है।